डेफिनेटली दिल्ली की सत्ता तो हिल चुकी है, बस जड़ों से उखड़ना बाकी है। एक सामने तूफान है जो बहुत तेजी से चल रहा है, बस फर्क ये है कि वो जो बहुत गहरी धस गई थी जड़ें ना, उसको एक-एक करके मिटा देने पर आमादा है। क्योंकि जो नुकसान किया है इस देश का नरेंद्र मोदी की सत्ता ने, किसानों का, मजदूरों का और सबसे ज्यादा नौजवानों का, जो बेरोजगार हैं, पिछले 10 साल से कितनी नौकरियां निकली हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं, लगातार बेरोजगार नौजवान प्रताड़ित हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक। दूसरी तरफ इस देश के लोगों ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब नरेंद्र मोदी के वश का कुछ भी नहीं। जो कभी नरेंद्र मोदी का ब्रांड हुआ करता था, वो ब्रांड पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और उसकी एक वानगी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, सरकारी ही आंकड़ा दूंगा। राज्यसभा टीवी मोदी जी का टीवी है, जगदीप धनगढ़ साहब का टीवी है, उनके ही हाथ में सब कुछ रहता है। पिछले एक सप्ताह की आप व्यूअरशिप को केवल आप देख लीजिए, तो जहां नरेंद्र मोदी को देखने वाले लोग 56,000 थे, वहीं राहुल गांधी को देखने और सुनने वाले लोगों की संख्या 11 लाख है राजीव जी। यानी 20 गुना ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया है। एक और आंकड़ा आज ही आया है जिसमें यूट्यूबर्स की जो व्यूअरशिप है उस पे आप देखिए, जी तो राहुल गांधी को देखने वाले लोगों की जो तादाद है वो 1,23,00,000 है और मोदी जी को सिर्फ 70 लाख लोगों ने देखा है। एक आंकड़ा पिछले दिनों जिसकी हम लोग बराबर चर्चा करते रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश का है, जिसे हम लोग हिंदी पट्टी कहते हैं, जहां पूरा राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, वहां पर 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जी और मोदी जी को सिर्फ 32%। यानी जो ऑरा बनाया गया था उस मोदी मीडिया के जरिए, आईटी सेल के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, झूठ और फरेब के जरिए, वो पूरा ऑरा ध्वस्त हो चुका है, अपने आप ढह गया है। क्योंकि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बनी है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए उस पर वो कभी खरे नहीं उतरे। 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, काला धन विदेश से वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और उस चक्कर में मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी में गरीब लोग बर्बाद हो गए। जी फिर जीएसटी लगा दी, वन नेशन वन टैक्स, मतलब वन नेशन वन, और हर वन नेस का जो भूत सवार है मोदी जी पर, वो केवल चौपट करने के लिए। और इसलिए लोग कहते हैं ना कि ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल चल रहा है इस देश जी में। यहां जो मोदी जी कहे वही सही, कोई जांचने परखने वाला नहीं है। क्योंकि जो मीडिया है, जो जिसे लोकतंत्र का रक्षक माना जाता था, उसकी तो पूंछ दबी हुई है, तो वो क्या बोलेगा। जो कुछ मोदी जी के कामों की समीक्षा हो रही है वो सोशल मीडिया के जरिए हो रही है, यूट्यूब के जरिए हो रही है, वहां पर भी पाबंदी लगाने के मूड में है। लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे हैं उन मुद्दों पर, चाहे वो अग्निवीर का सवाल हो, उस मणिपुर का, महिला पहलवानों का, मोदी जी तो ये कहकर के आए थे कि बहुत हुआ वार महिलाओं पर, वार आपकी बार मोदी सरकार। यहां मतलब बड़े खेप में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार खामोश है, कान बंद है, आंख बंद है, ऐसे चल रहा है। और वही राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मरहम लगाते हैं, संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। और राहुल गांधी ने चुनाव के बाद भी उसको जारी रखा। राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे थे, वो लोकोमोटिव ड्राइवर्स के
पास जाते हैं, उनका दर्द सहते हैं। 47 डिग्री सेल्सियस पर बिना पंखे के भी जब ड्राइवर रेलगाड़ी चला रहा है, जिसको सोने को नहीं मिल रहा है, और अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है तो साहब रेल मंत्री उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप भर्तियां नहीं कर सकते। ये जो हालात हैं इस देश में, उसके नब्ज पर राहुल गांधी ने हाथ रखा हुआ है। देश के दर्द को, देश के मर्म को राहुल गांधी समझ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। और ये सरकार तो बैसाखियों पर चल रही है। चंद्रबाबू नायडू का जिस दिन एटीएम कमजोर पड़ा, उसी दिन खेला दूसरा हो जाएगा, जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, और राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि इस सरकार में लोगों का विश्वास मत नहीं है। इस सरकार को जाना ही है, ये हनीमून पीरियड है, कितने दिन चलता है ये देखना होगा, लेकिन आने वाले वक्त में राहुल गांधी की भी बात सही होगी, लालू प्रसाद यादव की भी बात सही होगी, क्योंकि ये देश चाहता यही है। ये मैंडेट चोरी करके आपको तो लोगों ने रिजेक्ट किया था, उसको आपने सरकार बनाया, ये अहंकार के साथ हम तीसरी बार जीत करके आए हैं, उस अहंकार से इस देश के लोग आज ही जा चुके हैं। भले ही एनडीए ने चुनाव जीता हो, लेकिन इस देश का दिल तो राहुल गांधी ने जीता है, और आज करोड़ों लोग जिस व्यक्ति की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं वो राहुल गांधी है। जो विश्वास मत विपक्ष के पास है इस समय, वो सत्ता पक्ष के पास नहीं है। आंकड़े हैं सिर्फ कि 293 सीट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, और यही वजह है कि लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है, और लोगों की ये इच्छा है। जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनेता होते हैं, और यहां तक कि जो विश्लेषक होते हैं, वो भी जनता के इच्छा के साथ काम करते हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कई बार आपका विश्लेषण होता है, और होना भी चाहिए। तो जो परिस्थितियां हैं, और सबसे अच्छा ये है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जितनी जिंदा दिली और हिम्मत और वैचारिकी के साथ वो संसद के भीतर बोल रहे थे, उतने ही हिम्मत के साथ वो बाहर है। उन्होंने अपने आप को अब उस चुनावी मोड से नहीं निकाला है, और राहुल गांधी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, सत्ता हासिल करना नहीं है देश। राहुल गांधी के लिए देश का मतलब है कि लोगों के दुख दर्द को साझा करना, मरहम लगाना, उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर सरकार को घेरना, क्योंकि राहुल गांधी के साथ विश्वास है, और कुछ आंकड़े भी हैं। अब लोकसभा स्पीकर का वो रवैया नहीं है जो पिछले दफा था, आधिकारिक रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक जगह नहीं होगा, कई और जगहों पर होगा। और दूसरा ये कि साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी डिफीट खाए हुए, आप लोकप्रियता देख लीजिए, क्या ये असर नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ रहा होगा कि 36% लोग चाहते हैं यूपी में वो प्रधानमंत्री बने, और 32% नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। जिस अहंकार के साथ नरेंद्र मोदी 10 साल तक सत्ता में रहे, और सो कॉल्ड 56 इंच की छाती को ठोकते हुए कहते रहे कि एक अकेला सब पर भारी, आज आलम ये है कि नरेंद्र मोदी का पूरा ब्रांड चिंदी चिंदी हो गया है। इस देश में वो जो भक्त मंडली बनी थी, अब वो भी एतबार नहीं कर रही है। उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब राहुल गांधी की तरफ देखने लगे हैं। ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं कि राहुल गांधी अपोजिशन और इंडिया एलायंस का, मुझे लगता है कि आज की तारीख में मतलब राहुल गांधी हो गए, ये कहना हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, लेकिन मुझे तो यही लगता है, पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के और बाहर तक। तो दरअसल लोग अब ये देख रहे हैं, लोग इस तरह का परिवर्तन चाहते हैं।
तो जिस सरकार में लोगों का विश्वास नहीं होता है वो सरकार ज्यादा टिक नहीं पाती, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार ने, और बीजेपी के भीतर के हालात आप देख लीजिए, आज तक नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं कर पाए, और मोदी जी ने जो अपना ऑरा बनाया था, जिसके वजह से उन्होंने भय पैदा किया था अपनी पार्टी के भीतर कि मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर भी जो व्यक्ति है वो 99 के बाद है असल में, उसके अलावा तो कोई टीवी के वो कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ सकता, जेपी नड्डा को धकिया दिया जाता है। और इस बार क्या है कि शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी बोल देता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो शिवराज सिंह चौहान हमारे पिता हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया का बयान आ जाता है, और इधर गडकरी की खामोशी, वो ताली नहीं पीट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से अलग से चल रहा है। तो बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज है, और एनडीए में जो लोग हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं सहमत हूं गर्ग साहब से कि इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये अभी नहीं हटने वाले हैं, लेकिन जब इन्हें अपने नीचे से जमीन जाते हुए दिखेगी उसके बाद राजनीतिक दल और नेता बदलते हैं, और इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है राजनीति में, वैसे भी ना कोई स्थाई दोस्ती होती है ना कोई स्थाई दुश्मनी होती है। बिल्कुल। तो जब वो आपको दिखने लगेगा ना, अभी अभी जो चल रहा है अचानक राहुल गांधी के साथ लोग, राहुल गांधी जो बराबर मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि आपने कहा अग्निबोर को हमने 1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन बाद में पता लगा वो तो इंश्योरेंस का है, आपने कौन सा मुआवजा दिया, तो आप तो पार्लियामेंट के भीतर झूठ बोल रहे हैं, और आपने दशा वो देखी है कि जो चाणक्य ही नहीं माने जाते, जिनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों को, वो स्पीकर से कह रहे हैं कि साहब हमारा संरक्षण कीजिए। ये तस्वीर आपने 10 साल के बाद देखी है ना, आलम ये हो गया। तो जनता जब लोगों के, जब लोग सरकार के साथ नहीं होते हैं, जब लोग किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ होते हैं, तो जमीन अपने आप धीरे धीरे नीचे से खत्म होने लगती है और वो अविश्वसनीय होने लगते हैं। जनता पार्टी सरकार का क्या हश्र हुआ, इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई थी और उसके 2-2.5 साल सरकार नहीं चलती है और वो होती है। तो दरअसल लोग जिस समय सड़क पर आकर के उसी तरह से, अभी राहुल गांधी का और ऑरा बढ़ेगा, अभी तो ये अभी जहां 50,000 और 11 लाख का मामला है, अभी ये मामला और बढ़ने वाला है, ये फासला काफी बढ़ने वाला है, अभी 20 गुना ज्यादा लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को, अब ये 100 गुना होने जा रहा है, और जब 100 गुना होगा तो ये जो पूरा भौंपू बज रहा था या जो गोदी मीडिया की पूंछ दबी हुई थी, ये भी अपने आप को आजाद करने लगेंगे, और फिर उसके बाद इस सरकार को नहीं रोक पाएगा कोई, ये सरकार फिर नहीं टिक पाएगी। अब वक्त उसमें कितना लगता है ये तो मैं नहीं कह सकता।